हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने जमीन का रसीद अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आपने अपना रसीद ऑफलाइन या ऑनलाइन कटवाया है और उसका रसीद फिर से रिप्रिंट करना चाहते हैं, या आपका रसीद साल वाइज साल कटवाया है और जिस साल में आपने कटवाया है उस साल का रसीद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साल वाइज साल करके भी आप अपना रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और जिस साल के आपने रसीद कटवाया है उस साल का भी रसीद आप अपने मोबाइल से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फैसिलिटी या अवेलेबल है। तो आपको कैसे करनी है ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चले आएंगे एंड यहां पे आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहां पे आपको सर्च करेंगे भूमि जानकारी। भूमि जानकारी सर्च करते ही सबसे टॉप में वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, जो कि यहां पे देख सकते हैं भूमि बिहार भूमि डॉट बिहार जो भी डॉट इन। इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट का डिजाइन जो है इस तरह से आपको मिल जाएंगे एंड यहां पे आपको क्लोज करने का ऑप्शन आएगा, जो कि पॉपअप आता है। इस वेबसाइट पे जो भी आपको फैसिलिटी आया है वो सारा फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा फैसिलिटी है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आप अपने रसीद में मोबाइल नंबर लिंक करना, या अपने जमानती में मोबाइल नंबर लिंक करना, या आप अपने आधार कार्ड को सीडिंग करना, अपने ज़मीन से लिंक करना, ये सारा फैसिलिटी इस वेबसाइट पे आ चुका है। क्योंकि इस वेबसाइट पे एलपीसी डाउनलोड कर सकते हैं, एलपीसी बना सकते हैं, अपने ज़मीन में त्रुटि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि उसका चेंज कर सकते, खाता खेसरा चेंज कर सकते हैं, नाम में कोई गलत है उसका भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे सारा कुछ फैसिलिटी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है जमीन का जो कि रसीद आपने कटवाया है उसका रिप्रिंट कैसे करेंगे, अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे भू लगान, यहाँ पे आपको ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे स्क्रॉल के आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं भू लगान एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, लंबित भुगतान देखे एंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, ऑनलाइन भुगतान देखे। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा एंड यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें डाउनलोड करने के लिए, प्री प्रिंट करने के लिए रसीद को, इसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनानी होती है। तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करेंगे एंड यहाँ पे यह कैप्चा इस बॉक्स में टाइप करेंगे एंड साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड बना लेंगे। ऑलरेडी मैंने बना रखा है तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप किया, कैप्चा टाइप किया, साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो नंबर दिए होंगे वह नंबर पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है कंफर्म का, कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो को ओटीपी आपको 6 डिजिट का होगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट मैच करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आपका 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म है, कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, किस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस नाम से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन भुगतान, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जूम करेंगे एंड यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे ऑनलाइन भुगतान करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको जिला सिलेक्ट करना है, जिस भी जिला का जमीन है, यानी कि जिस जिला में जमीन है उस जिला का यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे, चयन कर लेंगे एंड यहाँ पे उसके बाद सिलेक्ट करना है अंचल। तो आपका अंचल जो भी है यहाँ पे अपना अंचल भी सिलेक्ट कर लेंगे। अंचल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे जो कि आगे बढ़े, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपका सारा डाटा इस मोहल्ला का टोटल खुल जाएगा और यहाँ पे आपको हल्का नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी हल्का है, जो कि आपके जमीन के पेपर पे लिखे होंगे या रसीद पे पुराना से पुराना रसीद है, वहाँ पे अपना देख लेंगे कि आपका जो भी अंचल है वह अंचल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का नेम सिलेक्ट करने के बाद मौजा है, यहाँ पे मौजा अपना सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ आपको थाना नंबर भी शो हो जाएगा, यह थाना नंबर होता है और मौजा का नाम यह होगा, तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वर्तमान भाग संख्या पता है तो यहाँ पे टिक करेंगे, रैयत के नाम से यहाँ पे टिक करेंगे, खाता के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करेंगे, अदरवाइज आप प्लॉट संख्या के माध्यम से सर्च करना चाहते हैं यानी कि खेसरा नंबर के माध्यम से तो यहाँ पे टिक करेंगे, जमाबंदी पता है तो यहाँ पे टिक करेंगे और कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या पता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है प्लॉट संख्या सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना
खेसरा नंबर टाइप करेंगे। खेसरा नंबर टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यह कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा कोड है, यह सुरक्षा कोड आपको इस बॉक्स में टाइप करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5+2 या इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में 7 टाइप कर देंगे। 7 टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि खोजे, यहाँ पे खोजे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस नंबर से जो भी नाम से रसीद कटता हो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस नाम से जमीन का रसीद कटता है, इस नंबर यानी कि इस खेसरा से। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एंड यहाँ पे आपको उसका नाम शो हो जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जामंदी कंप्यूटराइज यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड देखे हैं यहाँ पे, देखे ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जिस ऑप्शन पे आपको नाम है यहाँ पे मैच कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो है प्रोफाइल खुल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रसीद है, रसीद संख्या यहाँ पे आपको लिखा होगा, किस साल से कितने वर्ष तक रसीद कटवाया है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भुगतान तिथि है, किस डेट में रसीद का पैसा जमा किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, कितने रुपये किए हैं यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखे हैं ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं देखिए ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पुराना वाला रसीद आपके सामने प्रेजेंट होकर आ जाएगा। इस तरह से आप अपना रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक बाय, जय हिंद।